शिक्षा के हैं, जगमगाएंगे जगमगाएंगे जग में। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एरा ग्लोबल स्कूल। दिस इज योर नेहा मैम एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। सो किड्स, वी वर इन द रिवीजन वर्क, राइट? हमने कल डिवीजन का रिवीजन स्टार्ट किया एंड वी हैव डन यस्टरडेज। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए, राइट? डिवीजन के बारे में पढ़ा, व्हाट इज डिवीजन, राइट? विद सूटेबल एग्जांपल मैंने आपको समझाया। होप कि आपको समझ में आ गया होगा और अब आपके लिए डिवीजन हार्ड नहीं होगा, राइट? फिर भी अगर कोई भी क्वेरीज हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, यू आर फ्री टू आस्क मी, राइट? सो चलो लेट्स सी कि कल हमने क्या क्या किया। सो यस्टरडे वी कवर्ड द टॉपिक डिवीजन, राइट? बेसिक थिंग्स हमने किए, राइट? What is division? What is repeated division? मैंने किया, right? This thing I explained you कि कैसे करते हैं। Number lines are not important, that's why मैंने आपको उस पर focus नहीं करवाया, right? This thing we have done because I taught you कि ये division is opposite of multiplication। तो ये भी हमने practice किया आपको, इसका concept मैंने clear करवाया, right? Division is opposite multiplication. And the main thing I told you to do, that is division facts, right? Hope आपने division fact अच्छे से thoroughly इसके through गए होंगे आप और आपको समझ में आ गया होगा। That is very important because division facts अगर आपको आएगा तो you will be easily cop up with your MCQ types questions, right? Now ये आपको division multiplication sentence को कैसे division facts में change करते हैं, right? Today in division set we are going to cover this topic also. राइट, हम डिवीजन में ये भी करेंगे, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये उल्टा होता है, आई टोल्ड यू कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का उल्टा होता है। मल्टीप्लीकेशन में टू छोटे नंबर को, द स्मॉलर नंबर विल बी मल्टीप्लाइड इनटू करते, डिवीजन में ठीक इसका उल्टा होता है। बिगर नंबर को यहाँ लेते हैं, कोई भी एक छोटे नंबर को डिवाइड करते हैं एंड अनदर नंबर स्मॉलर नंबर विल बी योर आंसर। जस्ट अगेन डिवीजन फैक्ट में अगेन द बिगर नंबर जो आंसर प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लीकेशन का, प्रोडक्ट विल बी हियर, दैट इज राइट, यहाँ पे रहेगा, उसको हम डिवाइड करेंगे, दैट इज डिविजन। जिसको डिवाइड करते हैं अगेन स्मॉलर नंबर, दिस इज नॉट अ डिविडेंड, और वो होता है हमारा आंसर। दूसरा नंबर जो होता है वो हमारा आंसर होता है, राइट? सो डिविडेंड होता है ये बड़ा वाला, राइट? डिविजर जिससे हम डिवाइड करते हैं, दैट इज नॉट अ डिविजर। इसमें भी क्वेश्चन हम नहीं बता रहे आपको, क्या क्वेश्चन डिपेंडेंट नहीं है। क्या करना है आपको, डिविडेंड को यहां लेना है, राइट? प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपका निकला उसको यहां लेना है, उसको डिवाइड करना है एनी स्मॉलर नंबर से। दिस स्टेप टू टाइम्स दो नंबर है, दो बार, तो डिविजन फैक्ट टू निकलेगा। एंड मल्टीप्लीकेशन फैक्ट, इसमें से आपको मल्टीप्लीकेशन फैक्ट निकालना है तो वो एक ही निकलेगा, दिस इज सेवन नाइन जा और नाइन सेवन जा, इंटरचेंज कर सकते हैं खाली नंबर को, राइट? आंसर प्रोडक्ट विल बी सेम, यहाँ प्रोडक्ट सेम होता है, यहाँ ये वाला डिविडेंड सेम होता है, राइट? सो डिविडेंड और डिविजर को हम चेंज कर देते हैं इंटरचेंज, यहाँ पे डिविजर को इंटरचेंज करते हैं। चलो लेट्स गो थ्रू द आवर डिविजन सीट, दिस ऑल्सो एक्सप्लेन यू, राइट? सो दिस इज आवर डिविजन डिविजन सीट, राइट? राइट डाउन डेट एंड क्लास वर्क, यस, दिस वर्क, दिस आर द कीवर्ड्स व्हिच आई हैव रिटन। कीवर्ड्स क्या थे, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटिंग, शेयरिंग, इक्वली, दिस ऑल आर द कीवर्ड्स ऑफ डिविजन। नाउ लेट्स गो थ्रू द एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स 5 कैन बी रिपीटेडली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20? 5 कितनी बार रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट होगा 20 से? सी दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बट ट्विस्ट करके पूछा जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आप डायरेक्टली अच्छे से समझ के करोगे, आपने इसका हिंदी ट्रांसलेशन या गुजराती में आपको जो कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करके अगर आप फाइंड आउट करोगे, यू विल इजीली गेट द आंसर, राइट? इसका दो वे से आंसर निकलता है, वन इज लॉन्ग मेथड, जो जैसे बोल रहे वैसे, और एक शॉर्ट फॉर्म लॉजिकल टाइप क्वेश्चन, लॉजिकली आप सॉल्व कर सकते हो। तो लेट मी शो यू फर्स्ट कि इसको हम जैसा दिया हुआ है वैसे अगर फॉलो करेंगे तो क्या होता है। हाउ मेनी टाइम्स 5 कैन बी रिपीटेडली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20? 5 कितनी बार 20 में से रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो सकता है, दैट मीन्स 20 माइनस 5, राइट? जब तक जीरो ना आए तब तक हमें सब्ट्रैक्ट करना है,
राइट, या जब तक 5 से कम ना आए तब तक. ओके, सो 20 माइनस 5 यू ऑल नो 15, राइट. फिर 15 माइनस 5 10, ये हम ऐसे भी कर सकते हैं बट वीडियो में आपको प्रॉब्लम होगी इसलिए मैं आई एम शोइंग यू लाइक दिस, राइट. देन 10 माइनस 5 5, देन 5 माइनस 5 0, सी 0 आया. सो हाउ मेनी टाइम्स आई सब्ट्रैक्टेड, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड हियर इट इज 4 टाइम्स. मैंने 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया देन आई गॉट 0, तब मेरा 0 आया, राइट. इट मींस कि हम 20 में से 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे देन हमारे पास आंसर आएगा 0. मींस 5 को हम 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 5 को हम कितनी बार कंटिन्यू सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं रिपीटेडली, 4 टाइम्स, राइट. सो वी गॉट द आंसर 4. नाउ द सेकेंड वे कैसे हम कर सकते हैं, आपको देखना है व्हाट इज हियर. 20 इज गिवन हियर, राइट, 20 दिया हुआ है एंड अदर नंबर इज 5. सो आप डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दो बिकॉज रिपीटली सब्ट्रैक्शन पूछ रहे, दैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिविजन. 5 के टेबल में 20 कब आता है, 4 टाइम्स, तो 4 5 इज 20, तो आंसर इज 4. दिस इज द लॉजिकली वे यू कैन सॉल्व योर आंसर एंड दैट आई सॉल्व अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन. आप रीड करते जाओ और जैसे जैसे आपको समझ में आए वैसे आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 4. आंसर विल बी सेम, जस्ट द प्रोसेस आर चेंज. सिर्फ प्रोसेस चेंज हो गया, आंसर तो सेम ही आएगा. आप लॉजिकली वे करो या थ्योरी में पूरा प्रैक्टिकली आप करके देखो, राइट. नाउ 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 को अगर 10 से डिवाइड करो तो सी द डिविजन फैक्ट केम हियर. एनी नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, कोई भी नंबर को अपने आप से डिवाइड करते हैं तो आंसर इज 1, राइट. और आप इस 10 को इस 1 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 10 वन जा 10, राइट. आंसर आया, यू गॉट द आंसर. ओके, नाउ सी डिवाइडेड बाई 10, 50 को मीन्स मीन 10 की टेबल में 50 कब आता है, 10 वन जा 10, 10 टू जा 20, 10 थ्री जा 30, 10 फोर जा 40, 10 फाइव जा, सो आंसर विल बी 5. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई 5 बाई 10, सॉरी 5 इंटू 10, 50, 5 10 जा 50, सो गॉट इट आंसर, राइट. ये हमारा आंसर आ गया. वी नो दैट डिविडेंड फाइंड करना है तो डिविजन और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 5 से 50, राइट. डिविडेंड हमेशा बड़ा नंबर रहता है, राइट. और बड़े नंबर को अगर फाइंड करना है तो दो स्मॉल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, विल गेट द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, राइट. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आपको डिवाइड करना है. 14 erasers among 7 children. Each child gets C. मैंने आपको पहले भी बताया अगर आप लॉन्ग टाइप से डिविजन करना चाहते हो रिपीटेडली तो आप कर सकते हो. 14 इरेजर है, कितने इरेजर है, 14 among 7 children. 7 children को देना है, राइट. तो ईच चाइल्ड को कितने मिलेंगे, ईच चाइल्ड को कितना इरेजर मिलेगा. यू कैन सिंपली डू 14 डिवाइडेड बाई 7 2. What I got? Yes, logically ही आपको करना है बिकॉज ये वाले क्वेश्चन को आप लॉजिकली सॉल्व करोगे तो आपका क्विकली आंसर हो जाएगा बिकॉज ये ज्यादा मार्क्स के तो नहीं रहते, वन वन मार्क्स के हाफ मार्क के रहते. तो जस्ट डिवाइड दिस बिकॉज डिवाइड बाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज अ शॉर्ट फॉर्म, आई मीन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिविजन. तो 14 को 7 से डिवाइड करो, वी गेट 2. सो हर बच्चे को 2 2 इरेजर्स मिलेंगे, राइट. 12 बॉल्स इन 3 बॉक्सेस. सी सेकेंड मेथड मैंने आपको नहीं बताया बट सी आप ऐसे भी कर सकते हो. 14 माइनस 7 7, राइट. देन 7 माइनस 7 0, गॉट इट.
तो कितनी बार माइनस किया, वन टू, गॉट इट? ये वन टाइम किया, ये टू टाइम्स किया, आंसर विल बी सेम. सो यहाँ पे मैं लॉजिकली आपको करके दिखा रही हूँ, राइट. 12 बॉल्स इन 3 बॉक्सेस, सेम 12 को डिवाइड करो 3 से, राइट. 12 डिवाइडेड बाय 3, ये आप सब्ट्रैक्ट करके भी देख लेना रिपीटेडली, राइट. तो 3 के टेबल में 12 कब आता है, 3 4 जा, सो आंसर विल बी 4. इजी ना, 4 बॉल्स. 18 काइट्स अमंग 6 बॉल्स, 18 डिवाइडेड बाय 6, 6 के टेबल में 18 कब आता है, यस 3, 3 6 जा 18, राइट. नाउ सी मल्टीप्लीकेशन फैक्ट मैंने आपको बताया, सेम इट केम हियर. मल्टीप्लीकेशन फैक्ट एक है, डिविजन फैक्ट दो निकलेंगे, राइट. मल्टीप्लीकेशन फैक्ट भी दो निकलते बट ये नंबर सिर्फ इंटरचेंज होता है, ओके. चलो डिविजन फैक्ट टू बनाना है, वन और टू, राइट. तो वट वी डू, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट यहाँ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये बिगर नंबर जो प्रोडक्ट है उसको पहले लेते हैं, राइट. और कोई भी एक नंबर से डिवाइड करो, सेकेंड नंबर यहां लिख दो, राइट. सेम ईयर ये चेंज नहीं होगा, दिस नंबर विल नॉट चेंज, बिगर नंबर को पहले लेना है. सेम ईयर 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 इक्वल टू 18, तो बिगर नंबर है दैट इज प्रोडक्ट है 18, 18 को ले लो एज अ डिविडेंड, राइट. डिवाइडेड बाय एनी नंबर यू कैन टेक फर्स्ट, 2 लिया तो यहां 9 होगा, सेम 18, 18 ही लेना है, 2 और 9 तो इसको इंटरचेंज कर दो, 9 और यहां 2. लॉजिकली सॉल्व करोगे यू विल लव टू डू दिस एंड यू विल एंजॉय इट. तो दिस यू कैन ट्राई फॉर योर होमवर्क. इट्स वेरी सिंपल, डिविडेंड सॉरी प्रोडक्ट को एज अ डिविडेंड ले लो, डिवाइड कोई भी एक नंबर से, सेकेंड नंबर विल बी हियर एंड यू कैन चेक योर आंसर. 2 9 जा 18, 9 2 जा 18, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, यू विल गेट योर आंसर. तो इस तरह आप अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हो, राइट. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, दिस इज पेज नंबर 12 एंड नेक्स्ट इज पेज नंबर 13, राइट. चलो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. 15 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 1 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट डिड वी गेट, नंबर इटसेल्फ 15 ओनली, राइट. नाउ सी द डिविजन फैक्ट हियर, 0 को किसी नंबर से डिवाइड, 0 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, 0 ओनली, राइट. यस 12 डिवाइडेड बाय 12 ये तो आप कर ही सकते हो, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यस 1. नाउ 1 से किस सी एनी नंबर या डैश डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 35, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे सेम नंबर ही आता है, तो इट मींस ये नंबर यहां दिया हुआ तो इसी को ही हम डिवाइड करेंगे, राइट. सी थर्ड और दूसरा मेथड है, आप इसको मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 35, 35 12 वन जा 12, तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस 135, आपको ये डिविडेंड फाइंड करना है तो, और ये दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई दिस बोथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 35 इक्वल टू 35, सी 5 0 जा 0, 1 15 जा 15, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, राइट. चलो नेक्स्ट, सी फिल इन द ब्लैंक्स. इफ 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96, देन देखो यहां डिविजन फैक्ट फाइंड करना है, डिविजन फैक्ट फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को पहले लेते हैं बिगर नंबर को, राइट. कोई भी एक नंबर, यहां 8 दिया हुआ है तो इट मींस यहां पे हमें 12 लेना है, राइट. अगेन यहां पे बिगर नंबर प्रोडक्ट को पहले लेंगे, डिविजन फैक्ट बनाना है मल्टीप्लीकेशन में से तो प्रोडक्ट वी विल टेक फर्स्ट, राइट. जस्ट कीप दिस इन माइंड बच्चा, तो आपको बहुत इजी लगेगा ये, ओके. नाउ सी 12 दिया हुआ, इट मींस आई हैव टू टेक 8, राइट. नंबर 2 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 125, देन अगेन यहां पे डिवीजन फैक्ट, सेम प्रोडक्ट को पहले ले लो, राइट.
25 is given, it means आपको 5 लेना है. Again, यहाँ 5 दिया हुआ, it means आपको 25 लेना है. Right? This you can do for your homework. Now, see, I told you math is a challenging subject, right? So, see, again challenge आया हमारे पास. Have a challenge. Fill in the blanks with new operation division. Same. 18 divided by क्या करेंगे तो 9 आएगा. Simple. 9 की table में 18 कब आता है? 2. Right? Now, 4 dash divided by 4 is equal to 4. क्या करेंगे हम? इन दोनों को, if दोनों छोटा number दिया हुआ है, right? Just multiply this. Bigger number दिया है, तो आपको देखना है इसके table में ये कब आता है. But two smaller number, यानी कि हमें bigger number find करना है. यहाँ पे bigger number, that is dividend find करना है. तो dividend find करना है, तो we will multiply division and quotient. तो 4 जा 16, right? Now 21 divided by 3, ये तो easy है. 3 की table में 21 कब आता है? Yes, 3 sevens are. Now see, divisor find करना है हमें, right? तो क्या करेंगे? 2 के table में 10 कब आता है? Yes, 5s are. Simple. Very simple test, right? So, बच्चा, पहले भी मैंने बोला था, please, आपको जैसे मैंने कल chapter समझाया, right? तो try to do this division पहले ही कर लेना. मेरा video है, इसके पहले ही complete कर लेना. And then go through my division, ये video, और check करो कि आपका कहाँ कहाँ right है और कहाँ कहाँ wrong है, right? Now, cross puzzle. See, these are the numbers. पहले आप circle कर लो कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8. ये हमें blanks के नंबर है, जो blanks fill up करने हैं, right? तो पहले इसको dark कर लेना ऐसे. Now, 64 को divide करो किससे, तो answer 68 आएगा. See, again I am telling you, dividend दिया हुआ है, तो 8 का table में 64 कब आता है, वो find करो. 8 is, right? 8 multiplied by 8, 64 आ गया. Now, see, यहाँ 8 आ गया, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 के टेबल में 8 कब आता है? Yes, 2 4s are, right? Now, ये वाला सॉल्व कर ले पहले. यहाँ 64 को किससे डिवाइड करेंगे कि 32 आएगा? 32 का टेबल आपको नहीं आता है, right? What you will do? 32 का टेबल आपको नहीं आता है, तो आप, मैंने आपको बता दिया, right? कैसे? See, 32, 2 का double, 4, 3 का double, 6. It means 32 plus 32, यानि 32 2s, 64. Right? 64 को, और नहीं, ये भी नहीं आता, तो आप इसको divide कर सकते हो. Right? 64 को 32 से divide करो, वो भी आपको tough लगेगा. तो logically मैंने आपको बताया, see, 2 2s are 4, ये 3, 2 का table में, 2 times में, 3 का table में, डबल करो, इट मींस 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आ जाएगा. जस्ट इसका डबल है, सी 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 3 6, राइट? नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, दिस आल्सो डन, राइट? अब यहां आपको फाइंड करना है 32 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू. Now, what do you need to do? See, here 9 is given, right? Here 9 is. This is. Now, kisko 4 se divide karenge ki 9 aayega? Simple. 4 9s are 36. If ye dono diya hua, you have to find the dividend. Just multiply this. 4 9s are 36. Now, 8 divided by 4. See, 2. This is complete, right? Now, this. Dash divided by 2 is equal to 27. Means dividend find karna hai. Right? Question diya hua hai, divisor diya hua hai. You have to multiply this to 27 into 2. Ye just puzzle hai. To try and have a fun. Right? Don't get confused about this ki mujhe nahi aata hai. Simple hai.
जस्ट ट्राई करो, थोड़ा बिग बिग है बट यू विल ट्राई. यस ट्राई 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 डोंट क्राई राइट. तो आपका आंसर जरूर रहेगा 2 7 14. 1 कैरी, 2 2 4 + 1 5. तो आंसर इज 54. वॉट आई गॉट हियर, 54 को 2 से डिवाइड करो, आई विल गेट 27 राइट. अब सी 54 को कितने से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा. इट मीन्स आपको 9 के टेबल में 54 कब आता है, 6 जा. तो 6 9 जा 54. 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3. 3 2 जा 6. नाउ सी ये भी आंसर आ गया, 27 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9. दिस इज जस्ट चैलेंजिंग राइट. चैलेंज एक्सेप्ट करना, मैथ्स विल ऑलवेज गिव यू चैलेंज कि चलो मेरा आंसर ढूंढ के दिखाओ, और थोड़ा थोड़ा आपको हिंट्स दे देंगे वो, यू हैव टू फाइंड द आंसर्स राइट. तो मैथ्स इज अ चैलेंजिंग, इफ यू विल एक्सेप्ट इट यू विल एंजॉय इट एंड हैव फन. अच्छे से बिना टेंशन के करोगे तो आंसर जल्दी मिल जाएंगे राइट. नाउ सी 2 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 2. 2 को किससे डिवाइड करेंगे कि आंसर 2 ही आएगा, 1 से राइट. सो सॉल्व दिस इज द क्रॉसवर्ड पजल. सो थोड़े नंबर्स डिफिकल्ट है, आई मीन बिगर है, बट डोंट वरी, इफ यू विल ट्राई यू विल नेवर फेल राइट. सो प्रैक्टिस योर सम्स, प्रैक्टिस योर डिविजन, लर्न योर फैक्ट्स, डिविजन फैक्ट्स प्रॉपरली, सेट इट इन योर माइंड सो यू कैन ईजिली डू एनी सम्स right. So kids, just complete this 2 pages right. Still if you are having any confusion, give me a call, give me a message, I will solve your problems right. Ya fir aap online classes mein bhi mujhe pooch sakte ho. So this much for today, see you soon with new chapter right. Bye bye, take care, miss you all, love you all, bye bye.